प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव गांव पहुंच रही है। इसी कड़ी में यह यात्रा नारसन विकास खंड की बस बाखेड़ी गांव पहुंची, जहां पर हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। वहीं इस मौके पर ग्रामीणों ने अधिकारियों को अपनी समस्याओं के बारे में बताया। सभी ग्रामीण उन्हें देश के प्रति सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से काम करने की शपथ दिलाई। मैं इस दौरान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य हर वर्ग के लोगों को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना है। वहीं इस मौके पर सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि महिलाओं को उज्ज्वल भविष्य के उज्ज्वला योजना के तहत उनका भविष्य उज्ज्वल करना है और इस योजना के तहत गैस सिलेंडर बांटे गए हैं। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा आपने देखा कि कितना उत्साह है लोगों में। मैं समझता हूँ ये दुनिया का ये भी एक अजूबा है। पूरे देश के अंदर ये मोदी गारंटी रथ जो ये गाड़ियाँ चल रही हैं, इसमें जिन लोगों को लाभ मिला है वो इसका स्वागत कर रहे हैं स्थान स्थान पर, जिसमें चाहे वो करोड़ों करोड़ों लोगों को फ्री गैस कनेक्शन मिला हो, चाहे करोड़ों करोड़ों 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिला हो, चाहे वो करोड़ों लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला हो, चाहे करोड़ों लोगों को विद्युत कनेक्शन मिला हो, चाहे करोड़ों लोगों को शौचालय मिला हो, चाहे करोड़ों करोड़ों लोगों को जनधन योजना का लाभ मिला हो, चाहे करोड़ों करोड़ों लोगों को किसान सम्मान निधि मिला हो, एक चाहे करोड़ों करोड़ों लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिला हो, ये सारे के सारे लोग बहुत उत्साहित होकर के